हाय एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हेल्दी स्पिनच और मशरूम स्टर फ्राई रेसिपी। ये रेसिपी बनाने में जितनी आसान है, खाने में उतनी ही डिलीशियस भी। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। तो चलिए हम इसे फटाफट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में डालेंगे एक बड़ा चम्मच बटर, और आप बटर को हल्का सा मेल्ट होने दें। तो ये देखिए, बटर हल्का सा मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे दो बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन, और इसे एक मिनट के लिए सौते कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे लहसुन का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे 200 ग्राम कटे हुए मशरूम, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप गैस की फ्लेम हाई कर लें, हमें इसे हाई फ्लेम पर कुक करना है। और जब अच्छे से मिक्स हो जाए, हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, एक छोटा चम्मच मिक्स्ड हर्ब्स और आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हमें इसे हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए कुक करना है। आप इस बात का ध्यान रखें कि आप गैस की फ्लेम हाई ही रखें, आप इसे लो ना करें और बीच बीच में मिक्स करते रहें। और 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पर कुक करने के बाद आप देखेंगे कि मशरूम ने थोड़ा सा पानी रिलीज़ कर लिया है। अब हम इस पर डालेंगे आधा छोटा चम्मच नमक, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 250 ग्राम बारीक कटा हुआ पालक। आप पालक को अच्छे से धो लें और उसके बाद ऐसे बारीक काट कर इसमें डाल लें। और पालक डालने के बाद आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें। आपको इसे हाई फ्लेम पर ही कुक करना है। आप इसे बीच बीच में मिक्स करते रहें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी जो हमारा स्पिनच और मशरूम है, इसमें काफ़ी सारा पानी है, तो आपको इसे हाई फ्लेम पर कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए कुक करना है। और अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हैं तो आप इस रेसिपी को ज़रूर इंक्लूड करें आपके मील में। तो ये देखिए, मुझे इसे कुक करते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, और हमारा मशरूम और स्पिनच स्टर फ्राई बनकर तैयार है। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एन्जॉय।